अभी क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन। क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, मतलब कैसे दिखेगा? फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब कैसे लेंथ और ब्रेथ दिखेंगे। ठीक है, पॉसिबल है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, यहाँ पे मतलब नीचे जो दिए हैं ना वो रेक्टेंगल्स दिए हैं। इन विच देयर एरिया आर गिवन, तो वो रेक्टेंगल्स का एरिया यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों हैं वो क्या है, रेक्टेंगल की एरिया है। तो उस दोनों का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बात करूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, तो यही होता है। तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन। तो वही पूछा है ना यहाँ पे, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। तो यहाँ एरिया गिवन है, अब मुझे बस चाहिए लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ लेंथ और ब्रेथ क्या है, फैक्टर है ना। फैक्टर कैसे बोलता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, है ना। देखो मल्टीप्लाई, लेंथ और ब्रेथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई मतलब ये जो एरिया है ना उसके ये दो फैक्टर बताने हैं। यानी वही सेम चीज़ फैक्टराइज करते थे हम लोग, है ना, क्वाड्रेटिक का था स्क्वायर वाला जो हम लोग किए हैं अभी, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में 2.4 में फैक्टराइज था ना, बस वही तो करना है, ए इंटू सी वाला करते थे। तो वही वाला ये क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा ही क्योंकि हम लोग ने फैक्टराइज वाले वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो एरिया हमें क्या दिया हुआ है, 35y² + 13y - 12। तो क्या करना, हम लोग को दो फैक्टर ढूंढना है, वो दो कौन से होंगे, लेंथ ऑफ ब्रेथ। जो दो फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि देखो मैंने बोला था डिग्री ही बताता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो डिग्री कितनी है, 2, तो इसके भी फैक्टर कितने होंगे, 2। तो वो दोनों फैक्टर फाइंड करना, एक होगा लेंथ और एक होगा ब्रेथ। तो कैसे सॉल्व कर देते हम लोग, क्या करते थे, सबसे पहले ए इंटू सी। तो करो, ए क्या होगा, जो स्क्वायर वाला है उसके बाजू का नंबर, इसके बाजू में क्या लिखा है, 35, इंटू सी की वैल्यू क्या है, -12। देखो साइन अगर अगर वापस मैं लिखूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, है ना। जो स्क्वायर वाला है उसके बाजू का नंबर a होगा, जो x वाला मतलब जिसका पावर 1 है उसके बाजू का नंबर b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा, c। ठीक है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म, वो किस में है, प्लस में। तो अगर कहीं पे भी माइनस है तो हमें वो माइनस लिखना होगा। तो लिख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 × 12। अच्छा, मैं आंसर यहीं पे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन यहीं कर रहा हूँ, आप लोग को इस सब को पीछे करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 का टेबल आता है, 12 × 5 कितना होगा, 66 कैरी, है ना, और 12 × 3 क्या होगा, 36, 36 + 6 क्या हो जाएगा, 42। तो ये क्या हो गया, 420, और साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो अब क्या करेंगे, 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 × 4, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 2 × 1 = 2, और 0 कब आएगा, 0 था। वापस 2 के टेबल में जाएगा तो 2 से डिवाइड करो, 2 × 1 = 2, अब क्या बचा, 1, तो 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि हम लोग सिंगल ही नंबर ले सकते हैं, अब तो दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। तो याद रखना, आप लोग को अलाउड है सिर्फ एक ही नंबर लेना। तो अगर आप लोग दो नंबर ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में दो नंबर ले सकते हैं, लेकिन एक बार डिवीजन हो गया तो इसके बाद आपको दो नंबर लेने के लिए एक 0 डालना होगा। आपको सिर्फ अलाउड क्या रहेगा, एक बार डिवीजन हो गया उसके बाद क्या चाहिए, एक ही नंबर ले सकते हैं। देखो मैंने 2 × 1 = 2 ये डिवाइड कर चुका हूँ ना 2, तो अभी यहाँ पे जो 2 1 ही अलाउड है, तो 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता। तो दो नंबर लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 10, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10। अभी कौन से टेबल में जाएगा, 5 के, क्योंकि यहाँ 5 है, तो 5 × 2 = 10, 5 × 1 = अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3
सेवन जा और सेवन कौन से डिवीजन जाएगा सेवन के, सेवन वन जा। तो मैंने क्या बताया था हम लोग को यहाँ पे कितने टर्म है, बहुत सारे टर्म है, देखो पांच टर्म है, लेकिन हम लोग क्या करना है प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए मिडल टर्म चाहिए। तो वो मिडल टर्म मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। वैसे हम लोग इसके नीचे लिखते थे साइड में, ये आंसर का पार्ट नहीं है, आंसर यहीं पे, इसे भी एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पांच टर्म में से सिर्फ दो टर्म चाहिए, वो दो टर्म का प्लस और माइनस करने पे क्या चाहिए मुझे मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है मेरा प्लस 13 इक्वल टू, और वही दो टर्म को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए ए इंटू सी का आंसर। तो ए इंटू सी का आंसर कितना है माइनस 420। तो अब बना लेते हैं, तो यहाँ पे है हमारे पास पांच टर्म, वो पांच में से हम लोग को बनाना है सिर्फ दो टर्म। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो तीन टर्म है ये तीन को साथ में ले लेते हैं और दो टर्म को साथ में ले लेते हैं। तो चेक करते हैं, देखो आ रहा है क्या। तो ये क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी और थ्री सेवन ज़ा 21। तो 21 और 20 को अगर मैं प्लस और माइनस करूँ है ना, तो इसको प्लस और माइनस करने पे क्या हमें 13 मिलेगा क्या। देखो 20 प्लस 21 करेंगे तो 41 हो जाएगा, और 20 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो हमें नहीं लेना पड़ेगा। तो अभी दूसरा करते हैं, ये 2 2 साथ में लेते हैं और ये तीन नंबर साथ में लेके देखते हैं। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 5 3 जा 15 और 15 7 जा हो जाएगा 105। तो क्या 4 में 105 को प्लस या माइनस करने पे 13 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन, तो आप लोग को ये ऑप्शन कब तक ट्राई करना है, जब तक ये सेटिस्फाई ना हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन में करता हूँ, तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करता हूँ, ये 2 2 ज़ा 4 और 7 को साथ में ले लेता हूँ और ये 5 3 ज़ा 15, ये जो दो नंबर को साथ में ले लेता हूँ। तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, 4 7 ज़ा क्या हो जाएगा 28 और 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या ये दोनों को प्लस माइनस करने पर हमारा 30 आ रहा है, देखो ये दोनों को प्लस माइनस करने पे 13 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। 28 में 15 माइनस करेंगे तो आएगा ही आएगा, है ना। तो हम लोग दोनों लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 28 15 और 28 इंटू 15। अब ये जो साइन होता है वो ग्रेटर नंबर का होता है, तो ये जो 28 है उसको कौन सा साइन देंगे प्लस का, और 15 को कौन सा साइन देंगे माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस होगा माइनस। 28 में 15 क्या कितना आएगा 13, है ना। तो ऊपर साइन दिया तो नीचे भी, तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस 28 इंटू 15 करेंगे तो 420 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा प्लस 13 है उसकी जगह पे क्या लिखने वाले हम लोग, प्लस 28 माइनस 15 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये 35y² सेम रहेगा, ये जो मिडिल टर्म है 13 उसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग प्लस 28। तो जो वेरिएबल है वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, तो y लिख लेंगे, और माइनस 15y वेरिएबल, देखो 13 की जगह पे हम लोग 28 और 15 लिख रहे हैं ना, तो वेरिएबल भी लिखेंगे, और माइनस क्या हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे हम लोग, दो दो का पैर बनाएंगे, ये दोनों में से हम लोग क्या करेंगे अभी कॉमन निकालेंगे। तो क्या 35 के टेबल में 28 आता है क्या, बोलो 35 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता। क्या 28 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, हाँ कौन सा टेबल है बोलो, 7 का टेबल, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28। तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे 7। अब यहाँ 2y है, यहाँ पे 1y है, तो जो छोटा होगा वही कॉमन आएगा, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 1y कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में 7 के टेबल में 35 कब आता है 5 ज़ा, यहाँ 2y थे 1y निकाला तो 1y बच जाएगा, कौन सा साइन है ये प्लस। 7 के टेबल में 28 कब आता है 4 ज़ा, 1y था तो कॉमन निकाल दिए, तो वहाँ बचा होगा क्या, नहीं बचा होगा, ब्रैकेट क्लोज। ये कौन सा साइन है माइनस, तो अंदर का साइन चेंज होगा। तो अब कॉमन निकालते हैं, अब देखो वापस 15 के टेबल में 12 आता है क्या, नहीं आता। क्या 12 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता। लेकिन कोई ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं, हाँ कौन सा टेबल है वो 3 का, तो 3 कॉमन निकाल लो।
क्या और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, क्योंकि देखो वेरिएबल एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। ब्रैकेट में 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5। वेरिएबल क्या है? वाई। ये माइनस का साइन चेंज होगा, मैंने बोला था क्योंकि माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4। देखो ये सेम दिख रहे हैं, मैंने बोला था हमेशा ये दोनों क्या होंगे? सेम ही दिखेंगे। तो सेम है तो कॉमन निकाल लो, क्या लिखेंगे बोलो? 5y प्लस 4। और सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा है बोलो? 7y और यहाँ क्या बचा है? -3। तो ये हो गया हमारा, किसी को भी मैं इसको भी लेंथ बोल सकता हूँ, इस चाहे इसको भी बोलूँ, चाहे इसको ब्रेथ बोलूँ या इसको बोलूँ, ठीक है। तो ये हम लोग को पूछा ना पॉसिबल एक्सप्रेशन दो लेंथ और ब्रेथ का, तो किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 और ब्रेथ इज इक्वल टू 7y माइनस 3, ठीक है। ठीक है, मिल गया ना हम लोग को। तो सेम ये क्वेश्चन है, आप लोग को सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपको करके वही फैक्टराइज फैक्टर देखो कभी भी दिखा रहा है यहाँ पे पावर 2, ठीक है। और लेंथ ऑफ ब्रेथ पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा? एल इन टू बी, तो ये दोनों क्या है? फैक्टर। तो फैक्टराइज ही करना था इस क्वेश्चन में भी। तो आप लोग क्या करोगे? इस क्वेश्चन का लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करोगे, ठीक है। इसको सेम इसी तरीके से करना जो हम लोग ने एक्सरसाइज इससे पहले वाले एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर का, आपके एक्सरसाइज का, ठीक है। तो क्या लिखा है? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे पूछा है कि कैसे, क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकते, कैसे दिखेंगे फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायमेंशन का जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताएंगे जरा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या करना है? वापस फैक्टर्स ही ढूंढने, लेकिन कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। तो एक होगा लेंथ, एक होगा ब्रेथ और एक होगा हाइट। आप लोग किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को बोलो? 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो अब यहाँ दिख रहा हाईएस्ट पावर 2, तो आप लोग बोलोगे सर a इंटू सी से कर देते हम लोग। तो हम लोग, मैं एक और चीज़ बात बता दूँ, अगर आपको दो टर्म दिखता ना, दो टर्म, तो दो टर्म में कैसे सॉल्व किया जाता ना, या तो दोनों में देखो कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो, या तो देखो दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे तो वो बना लो। तो सबसे पहले चेक करने का कॉमन निकल रहा है या नहीं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 3 के टेबल में 12 आता है और दोनों में एक्स भी है, तो मैं दोनों कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालो, 3 कॉमन आ जाएगा और दोनों में क्या कॉमन है? एक्स। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? देखो 3 निकल गया, 2x था, 1x निकल गया, तो 1x बच गया। कौन सा साइन है? माइनस। 3 के टेबल में 4 का, सॉरी 12 का आता है 4। जा अब एक्स था, एक्स को हम लोग ने निकाल दिया। इसके आगे कुछ सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग को तो क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए, एल इंटू बी इंटू एच। तो दिख रहा है ये 3x का मतलब भी क्या होगा? 3 इंटू एक्स। और ये भी क्या हो रहा है? यहाँ ब्रैकेट है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एल, ये होगा बी, ये होगा एच। तो हम लोग लिख लेंगे एल इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू एक्स और एच इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ गया। कितना सिंपल सा समता ना, ये आया ना, बहुत ही सिंपल समता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया देखो? 12k वाई स्क्वायर प्लस 8k वाई माइनस 20k। तो आपको मैंने सबसे पहले यही बोला था कि अगर आपको जितने भी टर्म में देखो, इससे पहले क्वेश्चन करवाया था मैंने क्यूब वाला है ना, उसमें बोला था अगर आपको सबसे पहले देखो कि अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉमन निकालने पर। तो तीनों टर्म में,
देखो सबसे पहले ये 2K टेबल में जाता है, ये भी 2K टेबल में जाता है, ये भी 2K टेबल में जाता है, दिख रहा है? और दोनों में के 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 दिख रहा है, वेरिएबल के कॉमन है, तो आप लोग कॉमन निकालेंगे। अच्छा 2K टेबल में जाता ठीक है, लेकिन हमें तो कॉमन मैक्सिमम निकालना है, तो क्या और कोई टेबल है जिसमें जाता है? देखो 3K टेबल में ये 12 जाता है, लेकिन ये नहीं जाता, ये नहीं जाता है। इसके बाद आता है टेबल 4, 4K टेबल में 12 आता है, 4K टेबल में 8 आता है, 4K टेबल में 20 आता है, तो 4 भी कॉमन आ सकता है। अब उसके बाद नंबर आता है 6, 6K टेबल में 12 आता है, लेकिन 8 नहीं आता और 20 भी नहीं आता, तो इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। तो हम लोग मैक्सिमम कॉमन क्या निकालने वाले हैं? 4। और क्या कॉमन निकालने वाला है? के। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? देखो 4K टेबल में, 4K टेबल में 12 कब आता है? 3 जा है ना, और के निकाल दिए तो यहाँ क्या आएगा? वाई स्क्वायर, के तो निकल चुका है, कौन सा साइन है ये? प्लस। 4K टेबल में 8 कब आएगा? 2 जा, के को तो हम लोग निकाल दिए, क्या बचा रहेगा? वाई। कौन सा साइन है ये? माइनस। 4K टेबल में 20 कब आता है? 5 जा, और के को हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसको ऐसा मत कर देना कि 4 × x × ये, नहीं, ये अभी भी फैक्टराइज होगा ना, आया ना, दिख रहा है ना? देखो यहाँ पे इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं सॉल्व किया, लेकिन यहाँ तो सॉल्व हो रहा है ना, अभी तो हम लोग सीखे थे, आया ना, a × c स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले? देखो ये सेम ही रहेगा, बस अब इसको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? a × c। तो a क्या होगा? जो स्क्वायर वाला उसके बाजू का नंबर, तो क्या होगा? 3। और c क्या होगा? -5, तो −5, तो 3 × 5 क्या हो जाएगा? −15। तो माइनस का साइन साइड में रखो, 15 को डिवाइड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 3K टेबल में जाएगा 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 1। तो प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म क्या है मेरा इसमें? +2। और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? a × c का आंसर। a × c का आंसर कितना आ रहा है? −15। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो क्या दोनों दोनों को चेक करो, प्लस माइनस करने पे 2 आ रहा है क्या? आ रहा है। क्या करने पे आ रहा है? माइनस करने पे, तो लिख लो यहाँ पे 5 × 3, यहाँ पे 5 × 3। ये जो साइन होता है ग्रेटर नंबर का, तो ये साइन हो जाएगा प्लस, ये साइन को क्या दे देंगे हम लोग? माइनस। इस नंबर को क्या देंगे? माइनस, है ना। देखो 5 − 3 किया तो कितना हो जाएगा? 2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो यहाँ साइन दिया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि +2 की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? +5 − 3। तो लिख लो ये 4K तो ऐसे सेम रहेगा, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3y² सेम लिखेंगे, प्लस इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं? देखो +5, वेरिएबल यही यूज़ होगा y, और क्या लिखने वाले हैं? -3, वेरिएबल यही यूज़ होगा y, -5। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी बताया था हम लोग ने क्या करेंगे, बोलो? 2 2 का पैर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो ये 4K को भूलना नहीं है, इसको सेम लिखना है ना। अब ये 2 में देखो कुछ कॉमन है क्या? 3K टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 5K टेबल में 3 आता है? नहीं आता। कोई टेबल में दोनों आते हैं? नहीं आते। क्या दोनों में और कुछ कॉमन है? देखो वेरिएबल कॉमन है वाई, तो वाई निकाल लो। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? देखो 3 है, 2y था, 1y निकाला, 1y बच गया। कौन सा साइन है? प्लस। 5 को कॉमन नहीं निकाला तो 5 बचा है, y को कॉमन निकाल चुके तो नहीं बचा। कौन सा साइन है ये? माइनस, तो अंदर का साइन चेंज होगा। माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। तो ये क्या 3K टेबल में 5 आता है? नहीं। 5K टेबल में 3? नहीं। y कॉमन है क्या? नहीं, क्योंकि एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहाँ पे क्या कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है। तो 1 कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3y सेम रहेगा, मैंने बोला ये साइन चेंज होगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ब्रैकेट क्लोज। देखो हमेशा बोला था ये 2 सेम ही आते हैं, सेम लिख लो। ये क्या हो जाएगा? 4k ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे क्या बच गया? 3y + 5 जो कॉमन निकाल लिए, और यहाँ क्या बच गया? y − 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपके पास आ रहा 4k × 3y + 5 × y − 1। तो यहाँ 3 मिल गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं था, इसलिए मैं 3 को और x को अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो है ना 3 फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में, तो
तो ये पूरे को हम लोग लेंथ ले लेते हैं, इसको ब्रेथ और इसको हाइट। तो लेंथ इज इक्वल टू लिख लेंगे 4k, ब्रेथ इज इक्वल टू लिख लेंगे 3y + 5 और हाइट इज इक्वल टू लिख देंगे y - 1। ठीक है, ख़त्म हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आपको क्या करना है, अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसको भी सॉल्व करके, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चंस, आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है। और आपको अब एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज सारे एक्सरसाइज का PDF फॉर्म में स्कैन करके मुझे भेजना।